नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। आज 3 सितंबर है और वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज किसी भी वक्त BCCI वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड की घोषणा कर सकती है। ऐसे में सुबह एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक BCCI ने अपनी 15 सदस्यीय स्क्वाड चुन ली है। ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आई है जिसके मुताबिक 2 सितंबर की रात भारत पाकिस्तान मैच जो बारिश की वजह से रद्द हो गई, इसके बाद मुंबई से पल्लिकल पहुंचे सिलेक्शन कमेटी के चीफ अजीत अगरकर ने कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा के साथ बैठकर अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड चुन ली है। इस रिपोर्ट्स की माने तो वर्ल्ड कप की स्क्वाड कुछ इस तरह से हो सकती है। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, KL राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। अब अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है KL राहुल का सिलेक्शन और उनकी फिटनेस पर। क्या KL राहुल बतौर विकेट कीपर वर्ल्ड कप के लिए फिट हैं? अगर फिट हैं तो एशिया कप में हमें कितने मैचों में वो दिखेंगे? इसके अलावा अब जब नंबर 5 पर पाकिस्तान के खिलाफ सभी को चौंकाते हुए ईशान किशन ने जिस तरह की सूझबूझ भरी 82 रन की शानदार पारी खेल दी है, ऐसे में BCCI की टेंशन और बढ़ गई होगी, क्योंकि इस प्रदर्शन के बाद कम से कम आप ईशान को एशिया कप के सभी मैचों में प्लेइंग 11 का हिस्सा होते देखना चाहेंगे। फिर राहुल की जगह कहां और किसके जगह पर बनती है? शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस भी एशिया कप में देखने वाला होगा। इसके बाद शायद ओपनिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव भी किया जाए, लेकिन बात फिर राहुल पर उनके वर्ल्ड कप के स्क्वाड टीम में चुने जाने पर है। पहले जब कहा जाता था 4 सितंबर को राहुल की फिटनेस रिपोर्ट आएगी, ऐसे में किस आधार पर 2 की रात को ही उनको फिट डिक्लेयर कर दिया गया? वहीं इस रिपोर्ट की माने तो संजू सैमसन, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, आर अश्विन, यूजी चहल को जगह नहीं मिली है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर हर बार चहल को इग्नोर क्यों किया जाता है? क्या आपको अपने 7 बल्लेबाजों पर भरोसा नहीं है, जो आपको 8वां बल्लेबाज भी चाहिए? खैर, भरोसा हो भी कैसे, कल ही भारतीय बल्लेबाजों ने दिखा दिया है कि उनके वर्ल्ड कप को लेकर क्या तैयारी है। शार्दुल को जिस लिए लिया गया वो बल्ले से कम वो काम नहीं कर पाए। श्रेयस अय्यर जिन्हें चोट के बाद सीधा मैच में उतार दिया गया, आखिर वर्ल्ड कप को लेकर ये हमारी कैसी तैयारी चल रही है? बहरहाल उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खेल की दुनिया से जुड़ी पल पल की खबर के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आवर।